ये हुआ कि बांग्लादेश भी 90 की दिहाई में आगे निकल गया जब से ये दो खानदान आए हैं। इनकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो गया, इनकी बात प्रॉपर्टीज बढ़नी शुरू होगी, कौम पीछे जाना शुरू हो गई। तो मैं तब से जब मैंने इस जनरल बाजवा को समझाया भी कि ये नहीं संभाल सकेंगे, गवर्नमेंट ना गिराना, और फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा आप भी समझाएं, वो दो घंटे बैठा रहा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। अब साल के बाद हुआ क्या, इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए। हम कहते रहे कि एक ही तरीका है कि इलेक्शंस करवाएं, क्यों इलेक्शन करवाएं, जैसे ही आपने इलेक्शन करवाएंगे सियासी इस्तेकाम आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बैठनी शुरू हो गई थी एकदम, वो एकदम एक अफरा तफरी मच गई पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एक नई गवर्नमेंट आ गई, उसको समझ ही नहीं थी, इन्होंने शुरू में जो फैसले किए इनको तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है, क्योंकि यह दोनों दफा 99 में भी इस आगदार